अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास में है वाईफाई स्मार्ट नेट कैमरा V38 Pro ये वाला, ठीक है। तो इसको अभी क्या करेंगे हम लोग, हमारे जो फ़ोन है हमारे फ़ोन के साथ में इसको कनेक्ट करेंगे। तो फ़ोन के साथ में कैसे कनेक्ट करते हैं तो वो अभी दिखाएंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका जो कैमरा है, कैमरा के साथ में ये जो एडाप्टर दिया हुआ है इसको कनेक्ट करना होगा, ठीक है। इसको यहाँ से कनेक्ट करना होगा और जो एडाप्टर है इसको पावर के साथ में प्लग इन करके रखना होगा। तो यहाँ पर इसको प्लग इन कर देते हैं। तो प्लग इन करने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए पीछे में एक बटन है, ठीक है। ये जो एक बटन है इस पर प्रेस करके रखना होगा। यहाँ पर देखिए मैंने प्रेस कर दिया है, यहाँ पर आपको कुछ सेकंड तक इसको दबा के रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इस तरह का एक आवाज आएगा और उसके बाद में आपका जो डिवाइस है ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो फोन है आपका फोन में आना होगा, ठीक है। अच्छा, और जैसे ही दोस्तों ये ऑन हो जाता है आपका कैमरा, जैसे ही ये रेडी हो जाता है उसके बाद में आपका जो फोन है, आपका फोन का जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर खोलना होगा। यहाँ पर देखिए प्ले स्टोर खोलना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा V380 Pro, ठीक है। सर्च करना होगा और जो पहला ऐप जो है इसको इंस्टॉल करना होगा। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद में इसको ओपन करना होगा और ओपन होने के बाद में इसको एग्री कर देना होगा, ठीक है। एग्री करना होगा, कंफर्म करना होगा, अलाउ करना होगा, ठीक है। और उसके बाद में इसको स्किप कर देना होगा। अभी रजिस्टर करना पड़ेगा इसको सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा और यहाँ पर जो ऑप्शन है प्लीज सेलेक्ट ए कंट्री और रीजन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों यहाँ से आपको मेनलैंड चाइना जो है ये सेलेक्ट करना होगा क्योंकि इसको चाइना ने मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है ना। इस कैमरा डिवाइस को चाइना ने मैन्युफैक्चर किया है तो इसको सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर डालना होगा। ईमेल आईडी डालने के बाद में आपको यहाँ से सीधा नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन आया है नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपका जो ईमेल आईडी है ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा। तो ओटीपी डालने के बाद में आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक पासवर्ड आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। और दोस्तों पासवर्ड यहाँ पर डालने के बाद में आपको नीचे में जो कंफर्म का ऑप्शन है आपको कंफर्म पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अभी क्या करना होगा आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। दोस्तों इंटर योर अकाउंट नेम, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी डालना होगा और पासवर्ड पर दोस्तों आपका जो पासवर्ड आप सेट किया है वो डालना होगा। वो डालने के बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लॉगिन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए ये लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना होगा, लॉगिन होने के बाद में आपका जो मोबाइल डाटा कनेक्शन है, ठीक है, आपका मोबाइल डाटा ऑफ करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका मोबाइल डाटा इसको ऑफ करना होगा और आपको वाईफाई जो है यहाँ पर जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको वाईफाई पर जैसे ही खुल जाता है उसके बाद में आपका वाईफाई ऑन करना होगा, ठीक है। वाईफाई ऑन करने के बाद में यहाँ पर देखिए आपका जो कैमरा है, कैमरा का जो रिसेट बटन है यहाँ पर फिर से आपको दबा के रखना होगा। तो यहाँ पर दबा देते हैं, फिर से कुछ सेकंड तक दबा के आपको रखना होगा। ये बताया है कि रेस्टोर टू डिफॉल्ट सेटिंग्स, ये डिफॉल्ट सेटिंग्स पर आ गया है। आप कैमरे को छोड़ देते हैं और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो फोन है, ठीक है, आपका फोन में देखिए कैमरे का जो वाईफाई एड्रेस है वो शो करेगा, कुछ इस तरह का शो करेगा। तो उस वाईफाई पर आपका फोन को कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए ये अभी कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैमरे के साथ में हमारा फोन जो है ये कनेक्ट हो गया है। अभी फिर से आपको जो एप्लीकेशन है V380 Pro इस एप्लीकेशन को खोलना होगा, ठीक है, इसको खोलना होगा। यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। तो उसके बाद में क्या करना होगा आपको, ऐड डिवाइस पर क्लिक करना होगा। ऐड डिवाइस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद में यहाँ पर इस तरह का आएगा। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर देखिए ऐड डिवाइस आईडी का जो ऑप्शन है ऐड डिवाइस आईडी पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको डिवाइस आईडी डालना होगा। यहाँ पर देखिए आपका जो कैमरा है, कैमरा पर यहाँ पर डिवाइस आईडी दिया हुआ है। तो इस डिवाइस आईडी यहाँ पर डालना होगा 65797969 65797969। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कन्फर्म करना होगा। और ये होम के लिए है और यहाँ से आपको फिनिश पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पासवर्ड सेट करने को कहेगा, कुछ इस तरह का यहाँ पर देखिए आ गया है। यहाँ पर जो कैमरा डिवाइस है इसको ऑफलाइन बता रहा है
तो यहाँ पर देखिए हमारा वाईफाई कनेक्टेड है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वाईफाई कनेक्ट है या नहीं, और मोबाइल डाटा जो है इसको आपको ऑफ कर देना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोबाइल डाटा ऑफ करना, ठीक है। यहाँ पर जो कैमरा का वाईफाई है इसके साथ कनेक्टेड रहेगा और मोबाइल डाटा ऑफ रहेगा, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए डिवाइस जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए वार्निंग आया है, और यहाँ पर आया है प्लीज सेट ए पासवर्ड टू, ठीक है ना, कुछ इस तरह का आया है। यहाँ पर सेट पासवर्ड का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको जो यूजर नेम है यूजर नेम शो करेगा, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड आपको सेट करना होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ से आपको जो कन्फर्म का ऑप्शन है कन्फर्म पर आपको क्लिक करना होगा, और कन्फर्म क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह का आएगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो कैमरा है ये बिल्कुल रेडी हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा कैमरा जो है अभी ये बिल्कुल कनेक्ट हो गया है, ठीक है। इसको अभी रोटेट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा, साइड में भी घुमा सकते हैं, ऊपर तक भी ले आ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा कैमरा सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया है। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इस कैमरा को आप दूर से इसको एक्सेस करेंगे, तो दूर से एक्सेस करने के लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एक पोर्ट दिया हुआ है ये है इधर नेट का पोर्ट, ठीक है, ये इधर नेट का पोर्ट है। अगर आप इधर नेट से इसको कनेक्ट करेंगे तो इस कैमरे को आप दूर से भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।